वाह। प्रतापगढ़ के एक गरीब लड़के ने जो टैलेंट दिखाया है, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कलाकार और टैलेंटेड लोग हैं वो इंडिया में हैं, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है और लोगों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अपनी काबिलियत को लोगों तक पहुंचा सकें। कई लोगों की तो ज़िंदगी सुधर गई है इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे पास एक वीडियो आया है जो कि प्रतापगढ़ का एक लड़का है, वो भी गांव में रहता है, गरीब है। आप लोग जानते हैं जो आदमी गरीब है गांव में रहने वाला, तो उसको ना ही कोचिंग मिलता है ना ही कोई उसके पीछे सिखाने वाला होता है, लेकिन उसका जो नेचुरल कला है, टैलेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और आप उस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे शेयर करने से। वीडियो को मैं लगा देता हूँ ऊपर और आप लोग वीडियो देखिए। बजाकर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात? अभी क्या करने वाले हैं काम? अभी अभी लेको। हाँ, क्या बात है, चलिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और नेक्स्ट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। देखिए गांव के बच्चे का जो टैलेंट है, देख सकते हैं, देखने वालों की भीड़ लगी हुई है, क्या बात है। अब आगे क्या करने वाले हैं कामरान भाई? क्या बात है, वाह क्या बात है। देख सकते हैं किस तरह से स्टंट कर रहे हैं कामरान। देख सकते हैं प्रतापगढ़ जिले से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक कामरान का जो हुनर है। और कितने तरीके का स्टंट सीखे हैं कामरान? अभी बहुत तरीके स्टंट है, देख सकते हैं। ये मेहनत है जो इस तरह से कामरान मेहनत कर रहे हैं। कोई नहीं है? अच्छा, कोई गुरु भी नहीं है? नहीं, नहीं। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते हैं घर खाते पे जी, और मम्मी तो घर ही रहते हैं। परिवार में कौन कौन रहता है? अभी तो दो भाई, तीन भाई हैं और दो बहन। तीन भाई हैं, दो बहन जी, मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा, तब जैसे कहते होंगे कि क्या बनना है, तो ये सब कहते नहीं कि ये सब क्या कर रहे हो, कुछ इस तरह की है? वो बस कहते हैं मेहनत करो, जो होगा देखा जाए। मेहनत करो जी, सब मेहनत पे मम्मी पापा को विश्वास है कि जी कभी ना कभी आगे बढ़ोगे। हाँ, देखिए आप लोगों से एक उम्मीद है, एक शेयर कीजिएगा कामरान के लिए, जैसे कामरान आगे बढ़ सके। और कौन कौन सा स्टंट है कामरान? भाई दिखाते हैं, दर्शकों को दिखाइए। क्या बात है, चलिए, कामरान का यही घर है और गांव के बच्चे देखिए कितने खुश हैं कामरान को देख करके और लगातार जिस तरह से। देख सकते हैं एक नया अंदाज, एक नया तरीका, एक नया जज्बा, एक नया जुनून। कामरान लगातार देख सकते हैं किस तरह से स्टंट पर स्टंट कर रहे हैं और लोग देख करके अचंभित हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितने अचंभित हैं इसको देख करके। आप एक बिच्छू वाला कर रहे थे जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। देख सकते हैं कामरान हाथों के बल बिच्छू जैसा चल दिए, मतलब बिच्छू बन गए। इसमें तो काफी मेहनत लगी काफी। इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर भी जुनून आया होगा और हम लोग का फर्ज यह बनता है कि इस बंदे की काबिलियत को और आगे तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जहां पर ये अपने हुनर को इस्तेमाल करके पैसे कमा सके, अपने घर परिवार को पाल सके। यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों, आप लोग अगर चाहते हो कि इस लड़के की कलाकारी और लोगों तक पहुँचे और ये अपने कलाकारी के वजह से दो पैसा कमा सके, अपने घर परिवार को पाल सके, तो इस वीडियो को शेयर करना है आपको। शेयर करके कमेंट बॉक्स में इसके सपोर्ट में दो वर्ड जरूर लिख दीजिए, ताकि ये वीडियो उस लड़के तक पहुंचे और जब भी वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाए और जब पढ़ना शुरू करे उसको और मोटिवेशन मिले, ताकि वो और अच्छी तरीके से अपने हुनर को दुनिया के सामने रख पाए।
दोस्तों जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है इंडिया के किसी भी कोने से, आप किसी भी लाइन से हो, किसी भी फील्ड से हो, हर इंसान के अंदर एक ना एक टैलेंट छुपा होता है। लोग अपने काबिलियत को, अपने हुनर को पहचान नहीं पाते हैं। आप किसी भी फील्ड से अगर टैलेंट हो, हुनरदार हो, शौक रखते हो, तो अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करिए। सोशल मीडिया हैंडल नहीं है तो आप वीडियो बना के हमसे संपर्क करिए और मैं आपकी वीडियो को शेयर करूंगा, सोशल मीडिया पे डालूंगा। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।